तो या आज हम लोग लुकी जंप के चैप्टर 508 का प्रिडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। और हाँ, कल मैंने तुम सभी से कम्युनिटी में पूछा था कि तुम्हें लुकी जंप के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने चैप्टर 508 के प्रिडिक्शन पे वोट किया था। और इसीलिए मैं आज का वीडियो प्रिडिक्शन पे बना रहा हूँ, पर जो रैंकिंग वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीक तक ला दूंगा, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं लुकी जंप चैप्टर 508 का प्रिडिक्शन। तो देखो, चैप्टर 507 का एंड काफी हाई पे हुआ था, जहाँ पे मैंडियोक पूरी तरह से तैयार था गन से फाइट करने के लिए। यहाँ तक कि वो मरने के लिए भी तैयार था, सिर्फ गन से रेड पेपर लेने के लिए। तो चैप्टर 508 इस तरह से शुरू होगा कि गन और मैंडियोक तैयार होंगे एक दूसरे से फाइट करने के लिए। और जब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाएगी तो गन थोड़ा भारी पड़ रहा होगा मैंडियोक पे, पर तभी मैंडियोक अपने पास्ट के बारे में सोचेगा कि कैसे वो यूजिन और यूशंग हाई स्कूल में बुली हुआ करते थे। और मेरे ख्याल से गन और मैंडियोक की इस फाइट के बीच यूजिन, यूशंग और मैंडियोक की पूरी बैक स्टोरी को कवर किया जाएगा, कि उनके साथ पास्ट में क्या किया हुआ और वो क्यों ड्रीम में रहना चाहते हैं रियलिटी में नहीं, ये सब कुछ। और अपने इसी पास्ट को याद करने के बाद मैंडियोक को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो गन से बुरी तरह से पिटने के बाद भी वापस से खड़ा हो जाएगा गन से फाइट करने के लिए। और चैप्टर की इसी पॉइंट में मेरे को लगता है पीटीजे मैंडियोक को कोई पावर अप या फिर अपग्रेड देंगे, क्योंकि यार मैंडियोक अपनी जान देने को तैयार है सिर्फ गन से रेड पेपर लेने के लिए। और अगर इसी समय उसे कोई अपग्रेड मिलता है तो उसके कैरेक्टर का डेप्थ बढ़ जाएगा और ये पावर अप आने के बाद मैंडियोक थोड़ा गन से फाइट कर पाएगा और गन को थोड़ा डैमेज दे पाएगा। और हम सभी को ही पता है यार कि गन कितना ज्यादा पावरफुल है और वो किस लेवल पे है। और भले ही मैंडियोक अपग्रेड पाके थोड़ा सा पावरफुल हो गया हो, पर फिर भी गन उसे पेल पाल के शांत कर देगा और मैंडियोक को मारने से पहले बताएगा कि वो एक पावरफुल ओपोनेंट था। और फिर जैसे ही गन मैंडियोक को मारने वाला होगा कि तभी वहाँ पे यूशंग आएगा और गन को ऐसा करने से रोक देगा, क्योंकि यार यूशंग और यूहे को रेड पेपर यूजिन तक पहुँचाना था, पर अभी रेड पेपर गन के पास है तो वो गन से रेड पेपर लेने तो आएंगे। और जब वो दोनों मैंडियोक को मरने की हालत में देखेंगे तो वो गन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर मैंडियोक उन्हें समझाएगा रेड पेपर पे फोकस करने के लिए। और तभी उन दोनों में से एक ट्राई करेगा गन से फाइट करने के लिए और एक ट्राई करेगा गन के पास जो रेड पेपर है उसे लेने के लिए, पर हम सभी को पता है कि गन उन दोनों को ही पेल के शांत कर देगा। और इसी वजह से जब हम सभी को लगेगा कि गन इस फाइट को जीत चुका है, तब वहाँ पे अपीयर होगा सबसे पहले जेम्स ली, जो कि यूजिन के साथ जो मीटिंग था वो करने के बाद ही निकल चुका था गन को रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डैनियल भी अपियर हो सकता है अपने सेकंड बॉडी के साथ, क्योंकि गन ने बहुत पहले ही अपने ओजी डैनियल को मार मार के बेहोश कर दिया है। और इसीलिए अपना डैनियल शांति से तो नहीं बैठेगा और गन को रोकने के लिए आएगा, बट अपने सेकंड बॉडी के साथ। और मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे जून गो भी अपियर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही चार्ल्स चोई की वीकनेस को ढूंढ रहा है और रेड पेपर जो चार्ल्स चोई की वीकनेस है वो अभी करंटली गन के पास है। सो यहाँ पे जून गो भी अपियर हो सकता है। और अब थोड़ा इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, जेम्स ली चार्ल्स चोई के साथ है या फिर नहीं है वो किसी को भी नहीं पता, डैनियल अपने सेकंड बॉडी के साथ है, गन थोड़ा थक चुका है मैंडियोक और बाकी सभी के साथ फाइट करने के बाद, और वही यहाँ पे जून गो भी आ चुका है गन से रेड पेपर लेने के लिए। हालांकि मुझे लगता है कि जून गो के यहाँ पे अपीयर होने के कम चांसेस हैं, पर देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस चैप्टर पे मेजरली फोकस होगा गन और मैंडियोक के फाइट पे और यूजिन, यूशंग और मैंडियोक के बैक स्टोरी पे। ये था मेरा प्रेडिक्शन लुकी जंप के चैप्टर 508 का। तुम बताना तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है, और ये भी बता देना कि मेरी इस प्रेडिक्शन में क्या क्या गलती है और तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है, ये सब कुछ। सेकंड जनरेशन की रैंकिंग वीडियो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी, तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसे देखने के लिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।